बिहार, जहां लालू राज को कहा जाता था जंगल राज, और ऐसा इसलिए क्योंकि तब बिहार में अपहरण होते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी, हत्याएं कर दी जाती थी। नीतीश लालू को हराकर इसलिए सरकार बना पाए क्योंकि उन्होंने सुशासन का वादा किया। फिर वो बने बिहार में सुशासन बाबू, लेकिन अब बिहार में स्थितियां पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन अपराध की, जघन्य वारदात की घटना बिहार से सामने ना आए। नीतीश ने पिछले हफ्ते ही पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी थी, लेकिन देखिए एक हफ्ता भी नहीं बीता और अब एक और बड़ा कांड बिहार से सामने आया है। बिहार का मुजफ्फरपुर, जहां हार्डवेयर कारोबारी जयप्रकाश का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि रविवार की शाम अपराधियों ने पहले तो हार्डवेयर कारोबारी को अगवा किया और फिर परिवार से मांगी गई 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती। पुलिस ने फिरौती की शिकायत दर्ज की परिवार के लोगों को कहने पर। पुलिस ने हालांकि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और बदमाशों ने अगवा व्यापारी की हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में अपहरण के बाद कारोबारी की हत्या, हार्डवेयर कारोबारी जिसकी हत्या कर दी गई है, जयप्रकाश की हत्या कर दी गई। अगवा किया गया था हार्डवेयर कारोबारी जयप्रकाश को, परिवार से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और फिरौती ना मिलने पर, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना होने की वजह से अगवा व्यापारी की बदमाशों ने हत्या कर दी। तो देखिए, ये तो लालू के राज में हुआ करता था। आरोप लालू राज पर लगते थे कि लालू के राज में अपहरण हो जाता है, फिरौती मांगी जाती है, हत्याएं कर दी जाती हैं, लेकिन अब वही जंगल राज नीतीश की सरकार में बिहार में किस तरीके से सिर उठा रहा है, उसी की मिसाल बनकर सामने आ रही है। ये एक के बाद एक घटनाएं जो शर्मसार करने वाली हैं। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन क्या इसे सुशासन कहा जाएगा, जहां एक के बाद एक अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, बिहार को थर्रा रही हैं और बिहार को शर्मसार कर रही हैं। हालांकि ये जो पूरा मामला है, अब इस मामले में एबीपी न्यूज को चौंकाने वाली जानकारी एक और मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो कारोबारी व्यापारी जयप्रकाश है, लड़की के साथ संपर्क में था। जिस दिन से गायब होने की बात कही जा रही है, उस दिन भी वो लड़की से मिलने गया था। शक ये है कि ब्लैकमेल किया जा रहा था इस व्यापारी को। अकाउंट में 16,000 होने के बाद भी उन्होंने 1.5 करोड़ का चेक काट कर दे दिया था और फिर शव मिला व्यापारी जयप्रकाश का। हालांकि जिस लड़की की बात की जा रही है वो पुलिस के शिकंजे में नहीं आई है और केस अभी भी ओपन है। तो शक ये कि कारोबारी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, एंगल हनी ट्रैप का भी जो सामने आया। शंकर मोबाइल पूर्ण आत्मविश्वास है, उसकी हत्या आज एसएसपी साहब, अभी हम लोग थे सरैया में, डीएसपी के यहाँ एसपी साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि सारा डिटेल मैं ले लिया हूँ, ये सारी बात हुई है। इतनी ही देर में हमारा छोटा लड़का गया ऑफिस में जहाँ एसपी साहब बैठे थे और कहा कि पिताजी चलिए डेड बॉडी मिल गया। और मुजफ्फरपुर के आला पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आइए अब आपको ये बताते हैं। अपडेट यही है कि शव मिला है, तो उसके जांच रिपोर्ट लग रहे हैं, जांच की जा रही है। तो ये चर्चा है कि 4 दिनों से पुलिस उसकी सिर्फ, हमको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एसडीपीओ सरैया के कार्यालय में गया था जाँच सहयोग के लिए। आज उनका आवेदन आया था, उसमें जो जाँच चली रही थी तब तक जो सूचना मिली है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पार्टी को भेज दिया गया था, हाँ। तो पुलिस को सुन रहे हैं आप, जो कह रही है कि जांच चल रही है इस मामले में, जल्दी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन सियासी तौर पर अब ये बड़ा कांड होने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कैसे तेजस्वी यादव की तरफ से सीधे निशाने पर लिया जा रहा है नीतीश कुमार, नीतीश सरकार को। ये देखिए तेजस्वी यादव का ट्वीट, बिहार में AK-47 वाले सुशासनी गुंडों द्वारा चुन चुन कर व्यवसायियों को गोलियों से भूना जा रहा है। आगे लिखते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार अपराधियों के सामने समर्पण कर चुकी है। याद होगा आपको किस तरीके से बिहार के ही उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी तरफ से
अपराधियों से ये अपील की गई थी कि कम से कम ये श्राद्ध के दिन है, इन दिनों में तो अपराध को अंजाम ना दिया जाए, और तभी ये कहकर सियासत गरमाई गई थी विरोधी दलों की तरफ से कि ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश सरकार ने अपराधियों के सामने हथियार डाल दिए हों। और अब एक और बड़ी घटना जो मुजफ्फरपुर से सामने आती है, जिसके बाद सियासत किस तरीके से बिहार की गरमा रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार। एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ प्रकाश कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। प्रकाश, कुल मिलाकर बिहार की सियासत एक बार फिर इस अपराध कांड के बाद गर्म? बिल्कुल, ये बात साफ है कि जिस तरह से इसी महीने में दो बड़े लोगों की हत्या हो जाती है, एक व्यवसायी की कल हत्या हुई है, उसके पहले पूर्व मेयर समीर की हत्या हो गई थी। समीर वाले में भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, कौन गिरोह क्या वजह थी ये सब कुछ का खुलासा नहीं हो पाया है। तब तक इस व्यापारी की भी हत्या हो गई है। आज सुशील मोदी मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं और वहां काफी विरोध चल रहा है, मुजफ्फरपुर में काफी हंगामा हो रहा है, और इसी बीच में वो पहुंचेंगे तो सवाल होंगे ही कि आखिर जिन अपराधियों के सामने उन्होंने चिरौरी की थी, विनती की थी, आज उनकी भी नहीं सुन रहे हैं और जबरदस्त तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो पुलिस की जो मुस्तैदी है, जो सुस्त चाल है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सियासत काफी तेज है इस मामले में। बिल्कुल, कुल मिलाकर लग ऐसा रहा है जैसे अपराधियों ने घुटनों पर ला दिया है नीतीश सरकार को। जिस तरीके से हौसले अपराधियों के बुलंद है नीतीश राज में, एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। और देखिए ये ताजा मामला जो सामने आया बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां पर एक कारोबारी और कारोबारी का पहले अपहरण किया जाता है, 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है, और फिर फिरौती ना मिलने के बाद जो कारोबारी है उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बेहद शर्मनाक घटना जो बिहार से सामने आई है, ये बिहार का सच, क्या यही नीतीश के सुशासन का बिहार का नया सच है जहां अपहरण होंगे, फिरौती मांगी जाएगी, हत्याएं कर दी जाएंगी? जवाब तो देना होगा नीतीश कुमार को, लेकिन अब तक सरकार चुप है। वहीं सियासी तौर पर यह मामला किस तरीके से गरमा रहा है, कैसे विपक्षी दलों के निशाने पर नीतीश सरकार आ गई है। आरजेडी ने दरअसल आरोप लगा दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कहीं अपहरण, कहीं लूट, कहीं हत्या और बर्बर सेक्सुअल अब्यूज। अगर मैं इसको एक बताऊं तो एक सिंडिकेटेड मैनर में चीजें हो रही है। राज्य विहीनता की पराकाष्ठा है। मैं अभी बिहार से होके आया हूं, लोगों ने दोपहर के बाद निकलने के पहले वो दो बार सोचते हैं। बच्ची अगर कोचिंग या स्कूल जा रही है तो प्रार्थना करते रहते हैं कि वो सकुशल घर वापस आ जाए। और राज्य के उप मुखिया जो हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं पितृपक्ष में अपराध ना करो। तो अगर पूरे समय के दृष्टिकोण से आप देखें तो राज्य विहीनता की पराकाष्ठा, कंप्लीट स्टेटलेसनेस, पॉलिटिकल विल नहीं होता है तो ब्यूरोक्रेसी को भी मैसेज नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट नहीं होता है तो लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म कुछ नहीं, धराशाही है। मुंगेर में AK-47 मिल रही है, उतने AK-47 हमारे बिहार पुलिस के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर के अपराधियों ने जो तांडव शुरू किया उसके सबसे पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो फर्क है चुनी हुई और चुराई हुई सरकार का। जवाब तो आवाम मांग रही है। ये एक एक घटना मेरे बिहार को ऐसे अंधे युग में ले जा रही है जहां हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किसका इस्तीफा मांगें, किससे शिकायत करें। कोई कुछ दिख नहीं रहा, अंधकार के सिवा, खौफ के सिवा, डर के सिवा। तो आरजेडी के नेता मनोज झा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक के बाद एक अपराध की घटनाएं बिहार से सामने आ रही है, उससे साफ है कि बिहार में नीतीश राज पूरी तरीके से फेल। और इस मौके पर हमला करने से वो नहीं चूके, जिस तरीके से महागठबंधन के साथ बहुमत हासिल करती है नीतीश सरकार, लेकिन फिर आरजेडी और कांग्रेस का दामन छोड़कर जिस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बना लेते हैं, उसी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि देखिए चुराकर जो बहुमत था सरकार बनाई है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने, तो अब जनता उसका हिसाब तो मांगेगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।